नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। रीवा के शासकीय माध्यमिक शाला लोही क्रमांक 2 में छात्रा द्वारा झाड़ू बर्तन धोने से मना करने पर शिक्षक ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई की। रीवा के शासकीय माध्यमिक शाला लोही क्रमांक 2 में छात्रा द्वारा झाड़ू बर्तन धोने से मना करने पर शिक्षक ने छात्रा की बेरहमी से की पिटाई, तो आक्रोशित पिता ने दांत से काट ली शिक्षक की उंगली। परिजनों द्वारा छात्रा को बेहोशी हालत में संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला लोही क्रमांक 2 का है। वहीं स्कूल में 13 साल की मासूम और उसका भाई पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों द्वारा इन दोनों के स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता था और बर्तन भी धुलवाए जाते थे। आज छात्रा द्वारा मना करने पर शिक्षकों ने उनकी पिटाई कर दी। छात्रा ने घर जाकर जब यह बात अपने पिता को बताई तो पिता जगवंत साहू स्कूल पहुंचे और शिक्षकों द्वारा बच्चे से काम करवाने का विरोध किया तो शिक्षक नाराज हो गए और जमकर विवाद हुआ। विवाद में पिता के साथ जमकर मारपीट की गई। पिता ने अपने बचाव में शिक्षक की दांत से उंगली काट ली। इधर घर में छात्रा का स्वास्थ्य बिगड़ गया, वह बेहोश हो गई। आनंद फानंद में परिजन छात्रा को संजय गांधी अस्पताल ले आए। काफी देर इंतजार के बाद भी होश नहीं आया। दूसरी तरफ घटना के बाद शिक्षकों की शिकायत पर छात्रा के पिता को पुलिस ने थाने में बैठा लिया। इससे नाराज परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। आधी रात को स्ट्रेचर पर रखकर छात्रा को 20 सड़क पर ले गए। गोपाल मेडिकल स्टोर के सामने की सड़क पर जाम लगा दिया, बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया। शहर में लंबा जाम लग जाने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप था कि शिक्षकों ने उनके पति और बच्चों के साथ मारपीट की है। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई और परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाया और पीड़ित छात्रा को वापस संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। इसके बाद ही मामला शांत हुआ। बताइए क्या नाम है आपका? आरती साहू। क्या घटना क्या हुई? घटना हुई है सर, स्कूल में बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं तो सर जी ये बच्चे से ही झाड़ू पोंछा करवाते हैं और बर्तन खाने के लिए धुलवाते हैं और इसीलिए इसके पिताजी बोले कि नहीं इससे क्यों करवाते हो, तो पिताजी को भी इसके पैर कर मारे और बच्ची गई कि सर मेरे पापा जी को ना मारो तो फिर इसको भी मारे, तो इसके दिमाग में लग गया 3 बजे की ये घटना है और इसके चार मतलब होश ही नहीं आ रही है अभी तक। होश नहीं आ रही? नहीं सर। एडमिट किए कि नहीं किए? यहाँ ले आए हैं हॉस्पिटल में तो एक जेक्शन लगा है, अभी एडमिट नहीं किए हैं। शिकायत थाने में की है? थाने में की है? थाने में अभी हम नहीं गए हैं। थाने में नहीं? 100 नंबर आए थे तो मेरे पति को ले गए। बच्ची को कब तक होश नहीं आ रही? कभी अभी 3 बजे की ये घटना है, 3 बजे से अभी नहीं, मारपीट जब किए हैं तो 3 बजे से मतलब हम भैंस लेकर चली गई थी, जब आई 4 बजे तो बच्ची की होश नहीं थी। ये कौन से स्कूल है, कहाँ घटना है? लोही की झाड़ू लगाने के लिए? हाँ सर, इसको बोलते हैं कि झाड़ू लगाओ तो ये नहीं लगा रही झाड़ू, इसीलिए मारे हैं इसको। तो फिर ये बच्चे गया पिताजी को बुलाने, फिर उसको भी मारे। पिताजी को मारे हैं? हाँ, फिर उसको भी बांध कर मारे हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? आरती साहू। क्या नाम भैया? क्या घटना क्या हुई है? झाड़ू पोछा कर रहे थे तो लड़ाई आज हो गई, तो हमारे पापा पटक दिए। कौन पटका? नाम जानते हैं? हाँ। क्या नाम है? पांडे। कौन से स्कूल है? कैसे घटना हुई, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर मतलब स्कूल में? एक दिन मेरे पापा आए, मेरे स्कूल में सब लोग झाड़ू पोछा करवा रहे थे इसलिए लड़ाई हो गई। कौन से स्कूल है? शासकीय माध्यमिक शाला लोही क्रमांक 2। ये बच्ची को मारे भी हैं क्या? कैसा है? उनको भी मारे हैं बच्ची को? तुम्हारी बहन है? मारपीट कौन की है? मारपीट सर? सब लोग। कितने लोग थे उनमें? कितने सब लोग थे? दो लोग थे। दो लोग सर। सर का नाम क्या है? मयंक सिंह बालमुकुंद पांडे। ये कौन सी स्कूल है? सरकारी। कहाँ पे है स्कूल ये? लोही में। कब की? आज की घटना है ये? कहाँ है मारपीट? कहाँ इसका है? स्कूल के अंदर बेड़ के मारपीट की है? डंडे से मारे? कहाँ से मारे हैं? लाठी से मारे हैं। हाँ। अभी बच्ची को होश नहीं आया अभी तक? नहीं नहीं आया ना होश? नहीं। ठीक है।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।